नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है अच्छे होंगे। तुम भी पियो हम भी पिए, तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी प्यारे के कटोरे में गंगा का पानी, प्यारे के कटोरे में गंगा का पानी। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पे जो लड़ते हैं, धर्म पे जो झगड़ते हैं, कहीं इस बात से धर्म, कहीं इस बात से धर्म शरम से ना हो जाए पानी। पानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हम लोग अभी पानी पानी सुन रहे थे, आज हम लोग पानी की कहानी को जानेंगे। कुदरत के कारामात कितने अद्भुत हैं, कितने करिश्माई हैं, कि पानी के तो कोई रंग नहीं होते हैं, लेकिन पूरे फिजाओं को रंगीन कर देता है पानी। पानी का कोई स्वाद तो नहीं होता है, लेकिन सब में स्वाद भर देता है पानी। पानी का कोई गंध तो नहीं होता है, लेकिन सभी पुष्पों में गंध भर देता है पानी। पानी में देखिए तो ना रंग है, ना स्वाद है, ना गंध है, लेकिन सब चीजों में रंग, गंध, स्वाद भरने का काम करता है पानी। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपना लुटा के खुद उदासीन हो गया हो, खुद सादा हो गया हो, यानी पानी उदासीन है। पानी की कहानी इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पानी शब्द कितना जरूरी है हमारे लिए, कि इस पृथ्वी से लेकर हमारे शरीर तक के दो तिहाई हिस्से पानी से ही निर्मित हैं। इसलिए आइए जानते हैं पानी की कहानी, जहां से शुरुआत होती है जिंदगानी। क्या है पानी, आज जानेंगे हम लोग पानी की कहानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा की पानी, प्यार के कटोरे में, जानिए पानी की कहानी। पानी 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 से है जिंदगानी। पानी 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 पहला जीव पानी में आया, इसलिए जल ही जीवन कहलाया। पहला जीव पानी में ही आया, इसलिए जल ही जीवन कहलाया। पानी 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 से है जिंदगानी। हम लोग जान पाए पानी की कहानी में, पानी में ही पहली जिंदगानी आई थी। इसलिए जीव की उत्पत्ति पहली बार, जीव की उत्पत्ति पहली बार कहाँ हुआ था? पानी में। उसके बाद हम लोग जान पाए पानी का कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, ये
गंधहीन होता है, ये स्वादहीन होता है। और मानो ये सारा का सारा करके ये उदासीन हो गया हो, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, उदासीन। और हम लोग जानते हैं उदासीन का पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। अतः शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, पीएच मान किसका, पानी का, 7 होता है। ध्यान ये रखना है पीएच मान को हम लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे, पीएच मान को बड़े अच्छे से एक बहुत अच्छे तरीके से कविता के रूप में याद कर सकते हैं। कैसे, सोरेनसन गया बाजार लेने को नींबू, 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में 4 सिरका, 2 रुपया में 8 बोतल शराब पिया, और 7 लीटर पानी पी के 6 लीटर पेशाब किया। इससे आप लोग इतना का पीएच मान जान पाए। सोरेनसन गया बाजार, यानी सोरेनसन ने पीएच स्केल का क्या किए थे, आविष्कार किए थे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब हम लोगों ने 2 रुपया में 2 नींबू, यानी नींबू का पीएच मान 2.2 लेना है, 2 रुपया में 4 सिरका, यानी सिरका का पीएच मान 2.4 लेना है, 2 रुपये में 8 बोतल शराब पिया, यानी 2.8 शराब का पीएच मान है। उसके बाद 7 लीटर पानी पी के 6 लीटर पेशाब किया, यानी पानी का पीएच मान 7 हुआ और पेशाब का मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। हालांकि इसके रेंज लेंगे तो उसमें बदलाव आता है जो किसी क्लास में हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग जान पाए पहली बार जीव की उत्पत्ति कहां हुई थी, पानी में। पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और उदासीन होता है, उदासीन है। अतः इसका पीएच मान कितना है, 7 है। आगे हम लोग देखेंगे एक लोता ऐसा है पानी जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल एक लोता पदार्थ है जो इसी पृथ्वी पर आप देखेंगे तो तीनों अवस्थाओं में मिलेगा, ये ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। और एक ध्यान देने योग्य बात यह कि तीनों लोकों में यह पाया जाता है, धरती में, आकाश में और ये पाताल में। इसको बड़े अच्छे से जान पाएंगे, पानी हम लोग देख पाए पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से तीनों अवस्था में, ऊपर चला जाएगा तो गैसीय अवस्था में, गैस के रूप में, नीचे में किस किस रूप में हम लोग लेंगे, ठोस में लेंगे और द्रव में लेंगे, ठोस द्रव। हम लोग जानते हैं इसका जो गैसीय अवस्था है वो वाष्प कहलाता है या भाप कहलाता है, इसका ठोस अवस्था बर्फ कहलाता है, और पानी का द्रव अवस्था क्या कहलाता है, जल कहलाता है, जल। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे पानी का रासायनिक नाम क्या है या इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, ये जो H2O है हम लोग देख पा रहे हैं इसमें कितने तत्व शामिल हैं, 2 तत्व शामिल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और चूंकि 2 तत्वों के मिलने से पानी बनता है इसलिए ये क्या हुआ, यौगिक हुआ। क्या है ये, यौगिक यानी कंपाउंड है। उसके बाद ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कितने अगर बोलेंगे तत्व शामिल हैं, इसमें 2 तत्व शामिल हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछता है कि इसमें कितने परमाणु शामिल हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु शामिल हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु शामिल है, अर्थात टोटल 3 परमाणु शामिल हुए। उसके बाद आप लोग जानेंगे इसका अगर आप भार निकालने जाएंगे, इसका अणुभार तो कितना है, 18 ग्राम पर मोल आता है, 18 ग्राम पर मोल। इसके बाद आप लोग को जानना है H2O के बारे में कि ये H2O देखेंगे तो इसको ना ऐसे बनाइए, थोड़ा सा इसको फनी करिए, ये बना दीजिए आपके ऑक्सीजन जी हैं, ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन है ना 2 शादी कर लिया है, किससे, हाइड्रोजन से, ये देखिए हाइड्रोजन से, ये बंधन तो
हाइड्रोजन का बंधन है, जन्मों जन्मों का ये संगम है। ऑक्सीजन वहां कहता है बड़ी प्यार से, हाय उप हाय उप हाय हाय, ई हाइड्रोजन वहां हमारे सामने, मेरा दिल जाय जाय। इधरों कहता है हाय उप हाय उप हाय हाय, ये हाइड्रोजन मेरे सामने, मेरा दिल जाय 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 जाय। ककर पर जाए? हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पर, है ना। ध्यान देना है, जल में जो आबंध बनता है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आबंध होता है, यानी हाइड्रोजन बंध बंध होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान देना है, इसको दिखाना अगर रहेगा तो कैसे दिखा सकते हैं, ये एक कमजोर बंध है। हाइड्रोजन बंध को दिखाने के लिए आप लोग बड़ा प्यारा सा इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए एच ले लिए, ये देखिए एच लिए, उसके बाद फिर इधर से ओ लीजिए, फिर यहां एच लिखिए, फिर यहां एच लिखिए, और ये दोनों के बीच में जो आबंध होगा, ये कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइंस दिखाते हैं क्योंकि ये कमजोर आबंध है, इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे तो पाएंगे क्या, पानी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, सुबह उठने के साथ ही पानी से ही हम लोग का खेल चालू होता है। इसका घनत्व जो है, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी, 1000, कितना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। उसके बाद जानना है इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जिस टेम्परेचर पर उबलने लगता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे देखेंगे तो इसका जो गलनांक है, जिसको आप द्रवणांक भी कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो हिमांक है, यानी जमने जो लगता है, वो भी कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी से जुड़ी आंकड़ों में से एक बेहतर बात और जान सकते हैं आप लोग, हम लोग अभी देख पाए पानी का पीएच मान, पानी का पीएच मान कितना था, पानी का पीएच मान हम लोगों ने देखा 7 है। उसके बाद इस 7 में लगा दीजिए 70, तो 70% करिए और आगे बढ़ा के करिए 71%। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि 70%, यानी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है, 70%। हालांकि जब रेंज में इसको लेते हैं तो 65 से लेकर के इसको 80% तक लेते हैं, इनको एक्यूरेट तक देता है तो 70% सामान्यता इसके उत्तर में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। अगर आप पृथ्वी के बात करेंगे तो पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है, तो आप देखेंगे ये पृथ्वी पर 71%, कितना प्रतिशत, 71%। और ये दोनों अगर आप करेंगे भिन्न में तो 2/3, कितना, 2/3, 2/3 भाग जल का ही क्या है, मौजूदगी है। तो पानी 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 से ही है जिंदगानी, पहला जीव पानी में आया, इसीलिए जल ही जीवन कहलाया। पानी के महत्व को बढ़ाने के लिए कई कई यादगार दिन दिवस भी है, जिसमें से अगर आप 22 मार्च की तिथि से जुड़ेंगे तो 22 मार्च की जो तिथि है वो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। जबकि अगर आप अपने देश में कहें तो 14 अप्रैल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, जो जल के लिए उन्होंने पहला क्रांति किए थे, तो 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय जल दिवस। तो इस तरह से हम लोग जान पाए 22 मार्च, ऐसे याद रखिए, अगर दूधों को मिर्चा खा लेंगे ना तो तुरते पानी पानी करने लगे, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, तो 22 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जल के लिए क्या किया था, दलितों को जल
पीने के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकार देने के लिए पहला संघर्ष किए हुए थे चवदार जलाशय में, इसलिए उनके जन्म दिवस को हम अपने देश में राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं पानी की कहानी में अगला कड़ी देखेंगे। जब आप पानी लिखिए तो कुछ इस तरह लिखिए, पानी मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। इस पानी से लिखने में एक संकेत चला गया होगा आप लोगों के पास, ये चार पानी का 4 डिग्री सेल्सियस के साथ में एक अनूठा रिश्ता है। क्या है ध्यान रखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का जो घनत्व है और जो इसका आयतन है, घनत्व जिसको डेंसिटी कहते हैं, आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, तो इसका जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम सबसे अधिक घना होगा। जब अधिकतम घनत्व होगा तो ज्यादा सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आयतन माने जगह कम लेगा तो न्यूनतम होगा। पानी के साथ 4 डिग्री सेल्सियस का और एक कारनामा ये जानेंगे कि जितना भी दुनिया का चीज है अगर उसे आप गर्म करिएगा तो वो फैलता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक में पानी के साथ में ना उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक में यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि उस समय जो बर्फ जब पिघलने लगता है तो 4 डिग्री से वो फैलता नहीं बल्कि वो सिकुड़ता है, और इस तरह से ये पानी का इस तरह का विस्तार जो है विसंगति विस्तार कहलाता है। इसका एक फायदा भी होता है, क्या फायदा होता है जानेंगे। ठंडे प्रदेशों में जब काफी ठंड पड़ती है, टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है, तो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से पानी क्या होता है, बर्फ बनना चालू हो जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो जो जलाशय हैं, जो झील हैं, वो ऊपर के हिस्से में क्या हो जाता है, पूरा बर्फ जम जाता है। जब पूरा हिस्सा बर्फ जम जाता है फिर वहां के जलीय जीव जीवित कैसे रहते हैं, इसका यही 4 डिग्री सेल्सियस का सिलसिला चलता है। क्या होता है, जैसे जैसे वायुमंडल का तापमान कम होते जाता है तो जो जलाशय का पानी होता है तो क्या होता है ना, एक प्रक्रिया चलता है कि जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो ऊपर वाला पानी ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाता है ना, भारी हो जाता है, तो भारी वाला पानी नीचे चला जाता है और फिर पता चलता है ना जो उससे ज्यादा गर्म वाला है वो ऊपर आ जाता है, और ये ऊपर नीचे का प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक पूरे जलाशय का पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है उसके बाद होता है क्या, ऊपर वाला पानी क्या हो जाता है ना, जम जाता है, और जब ऊपर वाला पानी जम के बर्फ बन जाता है, लेकिन नीचे वाला पानी का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस में बना रहता है, क्योंकि बर्फ जो होता है वो उष्मा का कुछ अलग होता है जिसके कारण जलीय जीव अंदर में क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। मछलियों में वैसे भी जो गलफड़ा होता है वो H2O से ऑक्सीजन को अलग करने का उसमें गुणवत्ता पाई जाती है, तो ये भी एक शानदार चीज जानने के लिए है। उसके बाद हम लोग जान पाए 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। अच्छा, चीजों को समझा जाना चाहिए, हम लोग ना वास्तव में क्या करते हैं, रटने लगते हैं। रटने का एक सबसे ज्यादा दुर्घटना ये होता है ना कि आपके पास इतना कुछ पढ़ने के लिए है, इतना कुछ जानने के लिए है, अगर रट रट के क्या करेंगे ना, दिमाग में किसी चीज को डालने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो भूल जाएंगे। दिमाग को रटना पसंद नहीं है, इसलिए जानते हैं कोई एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं ना तो हम लोग उबने लगते हैं और नींद महसूस करने लगते हैं, उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए समझने की चेष्टा की जानी चाहिए। कैसे आप समझ सकते हैं, कभी ध्यान दिए होंगे, कभी नोटिस किए, जब बच्चे को क्या किया जाता है ना, एक ताल से जब उसको क्या किया जाता है ना, झूला झुलाया जाता है, लोरी गाय के सुनाया जाता है, तो वो बच्चा नन्ना सा बच्चा को ना भी तो लोरी समझ में आ रहा है, लेकिन एक ताल में जो एक ही रिदम में जब उसको क्या किया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, तो वो सो जाता है। ऐसे हम लोग का मस्तिष्क सोने लगता है जब एक ही चीज का पुनरावृत्ति करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, समझिए, समझने का पता चलता है ना कितनों फिर वो लंबा कितनों भी बड़ा हो जाएगा तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो आगे की इस कड़ी में देखते हैं, पानी की कहानी में पानी के प्रकार देखेंगे हम लोग। तो पानी के प्रकार में से जानते हैं, पानी यानी दो प्रकार से इसको विभाजित करके पढ़ेंगे। पानी का दो प्रकार है कठोरता के आधार पर, एक है मृदु जल
और एक है कठोर जल, मृदु जल और कठोर जल। पानी की कठोरता का जांच किया जाता है साबुन के झाग से। मृदु जल जिसे आप सॉफ्ट वाटर कहेंगे, सॉफ्ट वाटर, और कठोर जल जिसे हार्ड वाटर कहा जाता है, हार्ड वाटर। ध्यान देना, हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर दोनों अलग चीज है। मृदु जल, कठोरता कैसे जांच किया जाता है, कठोरता जांच करने की विधि क्या है, साबुन का झाग। अगर साबुन का झाग जो जल देता है तो वो मृदु जल है, यानी जिसमें साबुन क्या करता है, झाग देता है, जिसमें साबुन क्या करेगा, झाग देगा, झाग देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। कठोर जल किसको कहेंगे, तो बस एक जान गए, जो कम देता है या तो नहीं देता है। तो कम से यानी कम क्यों देता है, तो कम देता है यानी झाग नहीं देगा, झाग नहीं देगा या कम देगा। प्रश्न आता है क्यों कम देता है, तो ध्यान देंगे अब कठोर जल को भी दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। कठोर जल, तो कठोर कोई भी जल क्यों हो जाता है, इसलिए कठोर हो जाता है क्योंकि उसमें लवण मिल जाता है, लवणता के कारण, लवणता के कारण क्या हो जाता है, जल कठोर हो जाता है। तो अभी हम जान पाए ये कठोर जल भी दो प्रकार का होता है, इसमें दो तरह की कठोरता पाई जाती है। एक पाई जाती है अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, और एक इसका उल्टा करेंगे, स्थाई कठोरता, स्थाई कठोरता। ला ले ला ला ले ला 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 ले। ध्यान देंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे हम लोग यहां बात कर रहे हैं, अस्थाई कठोरता। अस्थाई मतलब टेम्पररी है, क्या है, टेम्पररी है, और स्थाई मतलब क्या है, परमानेंट है। तो अस्थाई कठोरता को दूर करने का तरीका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब उबाल कर इसको दूर करने का तरीका क्या है, उबाल कर, उबाल देंगे पानी को तो क्या हो जाएगा ना, इसकी अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है। प्रश्न आता है अस्थाई कठोरता किसके कारण होता है, तो अभी हम लोग देखते हैं। कठोर जल कम झाग देता है, क्या करेगा, कम झाग देगा, और यही कम शब्द से दो गो निकाल लेना है तत्व, क से कैल्शियम और म से मैग्नीशियम निकालेंगे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वही क्या करते हैं, कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो अस्थाई कठोरता मतलब ये क्या है, टेम्पररी है, माने इसको दूर किया जा सकता है, इसको विदाई दिया जा सकता है। विदाई देंगे कैसे, बाय 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 बाय, यानी इसमें अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है इसमें अस्थाई। और पता है इसीलिए जब हम लोग पानी को उबालते हैं, और जब पानी को उबालते हैं तो देखेंगे बर्तन में जो व्हाइट व्हाइट क्या हो जाता है ना, परत बैठ जाता है, सफेद सफेद परत बैठ जाता है, वो कुछ और नहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ही होते हैं। स्थाई कठोरता, जब स्थाई कठोरता हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब परमानेंट है, और परमानेंट शब्द से निकालेंगे, परमानेंट से निकालेंगे परम्यूटिट विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, इसकी स्थाई कठोरता को दूर किया जा सकता है। प्रश्न आता है इसके स्थाई कठोरता का क्या कारण हो सकता है, तो यही होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का, कौन कौन होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कौन कौन से लवण होते हैं, क्लोराइड लवण होता है, क्लोराइड हो सकता है, उसके बाद सल्फेट हो सकता है, या तो फिर नाइट्रेट हो सकता है, इसके उपस्थिति के कारण क्या आ जाता है, कठोरता आ जाता है। इस तरह से हम लोग जान पाए, और किसी भी प्रकार की कठोरता को दूर करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोन सोडा कहते हैं, उसके द्वारा भी इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ये हुआ जल की कठोरता। उसके बाद जल के अन्य प्रकार में से हम लोग जानेंगे भारी जल, जिसे हम लोग हेवी वाटर कहते हैं। भारी जल,
जब हम कहते हैं भारी जल, दैट इज हैवी वाटर, हैवी वाटर। ध्यान देना है, भारी जल हम लोग किसको कहेंगे? तो भारी जल कहते हैं D2O को, जिसका खोज यूरे ने किया था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ध्यान देना है, ये भारी जल से संबंधित एक बड़ा शानदार प्रश्न पूछता है, किसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कहां पर? नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए भारी जल के बारे। उसके बाद जल के अन्य प्रकार में से और देखते हैं। पाए भारी जल, भारी जल को गुरु जल भी कहते हैं। भारी जल चूंकि साधारण जल के तुलना में भारी होता है, इसलिए भी उसे भारी जल कहा जाता है। 20 ग्राम पर मोल उसका क्या होता है? आण्विक द्रव्यमान होता है। ध्यान ये देना है कि भारी जल के अलावा और कुछ जल ऐसे हैं जिसको हम लोग दैनिक जीवन में सुनते हैं, जैसे पेयजल। पेयजल हम कहते हैं, अभी हम लोग जान पाए क्या? भारी जल। भारी जल का एक नाम क्या भी है? गुरु जल नाम है, गुरु जल। उसके बाद हम लोग जान पाएंगे और जल के प्रकार में पेयजल। पेयजल जब हम लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ड्रिंकिंग वाटर या पोटेबल वाटर। उसके बाद जब हम कहते हैं खनिज जल, तो खनिज जल का मतलब क्या हुआ? मिनरल वाटर, जिसका नाम हम लोग प्रायः सुनते रहते हैं, जिसमें खनिज युक्त जो जल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल वाटर कहते हैं। तो मिनरल वाटर के बोतल में जो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, ध्यान देंगे, वो मिनरल वाटर का एक्सपायरी डेट नहीं रहता है, बल्कि उस बोतल का एक्सपायरी डेट रहता है। उसके बाद इसी तरह से और एक है आसुत जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। आसुत जल किसको बोलेंगे? जब पानी को वाष्प बना करके, उसे जो ठंडा करके क्या किया जाता है, जो पानी प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं। इस तरह से हम लोग जल के अन्य प्रकार देख पाए। इसके बाद इसी कड़ी में आप लोग जानेंगे सबसे शुद्ध जल कौन होता है। तो सबसे शुद्ध जल होता है प्रकृति में वर्षा का जल, वर्षा का जल। ध्यान देना है, जो शुद्ध जल होगा, सबसे शुद्ध जल कौन वाला होता है? वर्षा का जल होता है। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि जो शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है ना, वो शुद्ध जल जो होगा वो कुचालक होता है। कुचालक यानी इसमें किसका प्रवाह नहीं होगा? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जबकि अशुद्ध जल जो होता है, अशुद्ध जल जिसमें इंप्यूरिटी मिला दिया जाता है, उसे लवणीय कर दिया जाए, अम्लीय कर दिया जाए या क्षारीय कर दिया जाए, तो वो विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। उसके बाद ध्यान ये देना है, पानी का जो वाष्प बनने की क्रिया है वो वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण, जिसको एवपोरेशन कहते हैं। ये जो वाष्पीकरण क्या है? द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना, या बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया से सबसे सुंदर चीज जानना है कि वाष्पीकरण की क्रिया के लिए ये तापमान जो चाहिए वाष्प बनने के लिए, वो उसी द्रव से वो तापमान क्या करता है? ग्रहण करता है। यही कारण है कि घड़ा का जो पानी है, घड़ा का पानी क्या होता है ना, वो ठंडा होता है। इसका ठंडा होने का कारण क्या? यही वाष्पीकरण का कारण है। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छोटे छोटे छिद्रों से क्या होता है? निरंतर पानी रिसता रहता है, और वो जो रिसता हुआ पानी है, वो रिसा हुआ जो पानी है, उसको वाष्प बनने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है वो कहां से लेगा? अंदर वाला पानी से लेगा। क्योंकि वाष्पीकरण कहां से लेता है? अपने ही द्रव से उष्मा लेता है। जब अंदर वाला पानी से ये तापमान को ले लेता है, तो अंदर के पानी का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण घड़ा का पानी क्या होता है? ठंडा होता है।
यही काम फ्रिज में भी होता है, फ्रिज में भी यही काम होगा। ये घड़ा में देखें वाष्पीकरण की क्रिया, फ्रिज में भी क्या होता है, तो फ्रिज जिसको आप रेफ्रिजरेटर कहेंगे, और यही फ्रिज से निकाल देना है फ्रियोन। फ्रियोन क्या निकालना है, फ्रियोन, फ्रियोन नामक रासायनिक पदार्थ क्या करता है ना, वाष्पीकरण की क्रिया करता है, जिससे वस्तु में फ्रिज में क्या हो जाती है, ठंडी होती है। वाष्पीकरण की घटना के बाद एक चीज और जानना है, कभी ध्यान दिए होंगे बारिश के मौसम में, गर्मी के दिनों में कभी इस चीज को नोटिस किए होंगे ना, वर्षा के बूंदों के साथ साथ में, अच्छा वर्षा के जो बूंद होते हैं, वर्षा के बूंद किसके कारण गोलाकार होते हैं, उसका आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है, पृष्ठ तनाव जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो वर्षा के बूंद गोलाकार किसके कारण हुए, तनाव के कारण। ध्यान ये देना है कि कभी कभार देखे होंगे बारिश की वर्षा के दिनों में कि बर्फ के छोटे छोटे गोले भी गिरने लगते हैं, जिसको हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं। प्रश्न आता है ऊपर से बर्फ कैसे गिरता है, ऊपर से बर्फ गिरने का क्या कारण है, इसको बड़े अच्छे से समझिए। ऊंचाई का और तापमान के बीच में, ऊंचाई और तापमान के बीच में कैसा संबंध है, ये दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है ये दोनों के बीच में, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध मतलब ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाता है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है, और वही तापमान जब पता चलता है ऊंचाई में जाके कम होता है तो वही वाष्प धीरे धीरे ठंडा होके क्या होने लग जाता है, ठंडा होके क्या होने लग जाता है, द्रव में बदलता है, और इस समय इतना ठंडा भी हो जाता है कि वो क्या हो जाता है ना, बर्फ में भी बदल जाता है। और जब फिर भारी होकर नीचे गिरने लग जाता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, तो नीचे गिरने के दौरान फिर नीचे गर्म हवाओं के प्रभाव से वो क्या हो जाता है ना, पानी में तब्दील हो जाता है। और कुछ कुछ का पता चलता है ना नहीं हो जब पाने के कारण वो बर्फ क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और यही कारण है कि अच्छा बर्फ भी गोल क्यों होता है, तो वर्षा की बूंदे चूंकि गोल रहता है तापमान कम होने के, वही गोल वाला क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, इसलिए उसके भी आकार क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। कभी इस चीज को ध्यान दिए होंगे और कि पहाड़ों पर खाना ना देरी से पकता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि ऊंचाई बढ़ने से जो क्वथनांक है वो घट जाता है। कैसे घट जाता है, इसकी एक चीज और जान लेंगे कि ऊंचाई और तापमान के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यही कारण है कि पहाड़ों पर जैसे मसूरी हो गया, उसके बाद लद्दाख वाले हिस्से जो गए वहां तो बर्फ ही रहता है, क्या होता है वहां ठंड पड़ता रहता है, इसलिए गर्मी के दिनों में लोग वहां भ्रमण करना पसंद करते हैं। पहाड़ों पर खाना क्या होता है ना, देखेंगे देर से पकता है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से क्या हो जाता है ना, वायुमंडलीय दाब घटता है, और वायुमंडलीय दाब घट जाता है तो क्वथनांक भी यानी कमे तापमान पर क्या होता है, पानी उबलने लगता है पहाड़ों पर। तो चूंकि कमे तापमान पर उबलने लगता है तो वास्तव में क्या होता है ना कि पानी का तो तापमान कम है, उबल तो रहा है, लेकिन क्या होता है खाना को पकने के लिए जितना मात्रा में उष्मा चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना क्या होता है, देरी से पकता है। तो इसके बाद इसी कड़ी में और जानना है कि वर्षा का जल हम लोग जान पाए सबसे शुद्ध होता है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी रोते हुए को हंसाया नहीं, तो धर्म करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी। हम लोग एक चीज जानेंगे, जब हम लोग के शरीर में पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है कितना, अगर 1% की कमी हो जाए, 1% की कमी, तो ध्यान रखेंगे हम लोग को तब प्यास महसूस होता है,
अगर 5% की कमी हो जाए तो हम लोग को बेहोशी तक आ सकती है, और अगर 10% की कमी हो जाए तो ध्यान रखेंगे 10% की कमी हो जाए तो मृत्यु की संभावना है। इस तरह से हम लोग के जानकारी में और एक चीज जोड़ लेना है। कहते हैं दुनिया के आधा से अधिक अस्पताल जो हैं, हॉस्पिटल जो हैं, पानी से होने वाले जल जनित रोगों के कारण से भरे पड़े हैं। और इस तरह से हैजा की जो बीमारी हैजा जिसको कोलेरा भी कहते हैं, ये जल जनित रोग है। यानी जल जनित रोग मतलब ये जल से होने वाली बीमारी है जो जीवाणु से होता है। हम लोग के शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है तो शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण जिसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अधिकांश बीमारियां जल से ही संबंधित होती हैं, इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है जो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा जिक्र में मिलता है। कहते हैं रामायण में एक सुंदर जिक्र मिलता है, चाहे अभी भी एक रिवाज देखते होंगे कि जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और कोई जल स्रोत मिलता है, नदी क्रॉस कर रहे होते हैं, अगर ट्रेन की यात्रा में है तो बहुत सारे लोग देखे होंगे ना कि सिक्का फेंकते होंगे। तो सिक्का फेंकने का क्या रिवाज है, कहाँ से चला है? कहते हैं रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि वनवास से जब लौट रहे थे तो सिया ने भी सरयू नदी में क्या करी थी, सोने का सिक्का डाली थी, सोने की मुद्रा डाली थी। ये इतिहास की कई कहानियां ऐसे मिलेंगे जब जल के कारण कोई बीमारी हुआ तो उसमें सिक्के जल स्रोतों में डाल दिए गए। आप मुगल कालीन में भी देखेंगे तो औरंगजेब के समय पता चलता है जब हैजा रोग फैला था तो उस समय कहते हैं कि जल स्रोतों में लोग क्या करने लगे थे, सिक्के फेंकने लगे थे जो उस समय शुद्ध धातु से बने होते थे, या तो शुद्ध सोना से बना होता था, शुद्ध चांदी से बना होता था, या शुद्ध तांबा से बना होता था, जिसके कारण क्या होता था, उसमें रोगाणु नाशक क्षमता होती थी, और रोगाणु नाशक क्षमता होने के कारण वो पानी को क्या करता था, शुद्ध करता था। आज भी अगर हम पानी को शुद्ध करने के लिए अगर सबसे बढ़िया प्रयोग करें तो तांबे के बर्तन में अगर कम से कम 8 घंटे पानी रखकर छोड़ दें और उसका सेवन करें तो पेट में जितने भी रोगाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं रात में अगर तांबे के बर्तन में पानी रख कर सुबह उसका सेवन किया जाता है तो पानी से संबंधित रोग नहीं होते हैं। एक चीज और ध्यान दिया जाना चाहिए कि आजकल जो रिवाज चल रहा है ना कि जो सिक्का फेंका जा रहा है, तो आज तो स्टील के बने सिक्के हैं जो क्या करते हैं, वो हानि करते हैं, इसलिए उसको नहीं फेंका जाना चाहिए। हम लोग एक चीज और जान पाए, क्या जान पाए कि जल का शुद्धिकरण करने के लिए क्या कोई केमिकल है उसके रोगाणु को नाश करने के लिए? तो ध्यान रखेंगे जल का जल का रोगाणु जो नाशक होता है, रोगाणु नाशक, जल का रोगाणु नाशक, जल का रोगाणु नाशक, या कह सकते हैं जल का जो हम लोग शुद्धिकरण करते हैं यानी उसके रोगाणु को क्लियर करना है, इसके लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यानी क्लोरीन से क्या किया जा सकता है, जल को शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद जानना है इसी कड़ी में कि जब हम लोग केशिकत्व कहेंगे, क्या कहेंगे, केशिकत्व जिसको कैपिलैरिटी कहते हैं, ये केशिकत्व के कारण ही पेड़ पौधे में क्या होता है ना, पानी ऊपर चढ़ता है, पानी का ऊपर चढ़ने की घटना जो है, या द्रव का ऊपर चढ़ने की जो घटना है, पानी का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी, जड़ से पत्तियों तक पानी ले जाने का जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, केशिकत्व। मिट्टी में भी पानी को ऊपर तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। फिर आता है जब पानी में किसी भी चीज को डाल देते हैं तो वो हल्का प्रतीत होने लगता है जब अंदर रहता है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, उत्प्लावक बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग इससे संबंधित जानकारी को ध्यान में रख लेंगे। पानी के अंदर वस्तुओं का
वस्तु का हल्का लगना, यही कारण है हल्का लगना। एक चीज और ध्यान दिए होंगे, अगर हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं या तो फ्रिज के पानी को अगर गिलास में डालते हैं, तो एक चीज ध्यान देते हैं हम लोग कि गिलास के बाहर में पानी की बूंदे क्या हो जाती है ना, इस तरह से देखेंगे पड़ जाता है। इसका क्या कारण है? क्या गिलास से पानी लीक कर रहा होता है? जी नहीं, गिलास से पानी लीक नहीं कर रहा होता। तो क्या होता है, तो जैसे ही हम गिलास में पानी डालते हैं तो पानी चूंकि ठंडा होता है, तो पानी ठंडा होने के कारण यहाँ के वातावरण को भी ठंडा बना दिया, तो वायुमंडल में जलवाष्प है और वही जलवाष्प ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद द्रव के रूप में आ जाता है। यानी बाहर के वायुमंडल वाला जलवाष्प क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वही वाला क्या होता है, पानी के बूंदों में यहाँ दिखता है हम लोगों को। तो ध्यान ये रखना है। और एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर किसी गिलास में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, गिलास में अगर बर्फ का टुकड़ा है, पानी भरा हुआ है और अगर यहाँ बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ जो है, ये बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ पानी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर कितना होगा, ध्यान रखिए 1/10 भाग ऊपर होता है, जबकि बर्फ पानी के नीचे कितना होता है, 9/10 भाग होता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो क्या पानी, अगर ये पानी में जो तैर रहा है बर्फ का टुकड़ा, क्या ये पिघल जाएगा? तो पिघलने पर क्या पिघलने पर जल का स्तर वही रहेगा या बढ़ जाएगा या घटेगा? तो ध्यान देंगे, चूंकि ये जो बर्फ का टुकड़ा है तो यहां तो इतना स्थान लिया हुआ है, तो उतना तो पानी हटाया है, तो उतना पानी हटाया है तो लेवल तो यहां तक दिखा रहा है। जब ये पिघल जाएगा तो ये जगह वो तो खाली होगा, और जगह जब खाली हो जाएगा तो ये जगह भर जाएगा, तो ये जो लेवल है पानी का स्तर है ना बढ़ेगा ना घटेगा। पिघलने पर पानी का स्तर क्या रहेगा, पानी का लेवल क्या रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो ध्यान रख लेना है, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित, यानी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो इस तरह से हम लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी जान पाए, पानी एक ऐसा जीवनदायिनी यौगिक है, वो जीवन देने वाला पदार्थ है, इसका कभी कभार गलत प्रयोग से कई बीमारियां हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पानी का सही सेवन का तरीका नहीं जानेंगे तो ये शरीर बीमारी का घर बन जाएगा, क्योंकि अधिकांश बीमारियां पेट से जुड़ी होती हैं, यही एक जड़ है, और हमारा शरीर का अधिकांश हिस्सा पानी है, और वही मात्रा बैलेंस में नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा बीमारी का शिकार हो सकते हैं। पानी का सेवन का तरीका यह है, अगर आप प्रातःकालीन ये नियम बना लें कि सोकर उठने के बाद बासी मुंह ही अगर 2 गिलास पानी का सेवन करें तो कब्जियत का शिकायत नहीं रहता है, अगर वो तांबे के बर्तन में रख के किए तो और अच्छी बात है। पानी का कभी भी सेवन करें, जब पानी पिए तो कभी भी खड़े होकर ना उसे सेवन करें, क्योंकि जब खड़े होकर के पानी पीते हैं तो सीधे पेट के निचले स्तर पर चला जाता है, जो कभी कभार किडनी पर भी भार पड़ता है। और कभी कभार पता चलता है कि अगर खड़े होकर नियमित आप पानी पीते हैं तो एक सबसे गंभीर बीमारी हो सकती है, वो बीमारी है ना जोड़ों में दर्द, गठिया का शिकायत, कभी कभी हार्निया के केस भी आ सकते हैं। पानी पीने का एक तरीका ये भी है कि खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीजिए, खाना खाने वक्त पानी ना पीजिए, ज्यादा ज्यादा चिबा के खाना खाइए ताकि पानी की जरूरत महसूस ना हो, और खाना खाने के आधा घंटा बाद ही सेवन करिए, यानी खाना खाते समय नहीं, खाना खाने के आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद। इससे क्या होगा, हम लोग के पेट में जो पाचक रस है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या होगा ना, उसकी क्षमता बरकरार रहेगी। पानी दे देने से वो क्या हो जाता है, तनु हो जाता है, तनु मैंने पतला हो जाता है, और खाना को पचाने की क्षमता को वो खो देता है, इसलिए इतना का गैपिंग रखा जाता है। पानी जब भी पिया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि वो पानी को एक बार गट 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 करके नहीं पिया जाए, पानी को प्रयास किया जाना चाहिए
उसे सुप सुप करके पीजिए ताकि लार की मात्रा भी जाएगा और क्या होगा ना, बैलेंस करेगा। पता चलता है जो खाना को पचने के लिए क्या चाहिए, आवश्यक तत्व चाहिए, वो मिलेगा। पानी का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। एक दिन में कम से कम तो 8 से 10 गिलास पानी पिया ही जाना चाहिए और प्रयत्न ये किया जाना चाहिए कि वास्तव में बहुत ठंडा पानी कभी कभार हम लोग जब अचानक पी लेते हैं तो नहीं, बॉडी टेम्परेचर के अनुसार नॉर्मल दिखना है, पानी का सेवन करना है। गर्मी के दिनों में घड़े का पानी क्या करता है, हमें आवश्यक रूप से जो आवश्यक खनिज तत्व होता है वो उपलब्ध कराता है। पानी से संबंधित ये जानकारी जान पाए, तीन चीजों को अगर आप एक बार ध्यान में रखेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे तो सदैव के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि विज्ञान बहुत आसान है, क्योंकि विज्ञान इसलिए आसान है ना कि यहां आपको मोहन जोदाड़ो नहीं पढ़ना पड़ रहा है कि इमेजिनेशन करना पड़ रहा है। यहां पर आप डेली लाइफ में जो चीज देखते हैं वही चीज क्या करना है, पढ़ना पड़ता है। इसलिए विज्ञान जो देख रहे हैं वही चीज जान रहे हैं, वही चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको समझने में बड़ा आसान पड़ता है। नहीं समझेंगे अगर, चाहेंगे हम ना सब रटिए लेंगे तो आपके पास इतना कुछ पढ़ने के लिए सब रटना संभव नहीं है। एक बड़ी मजेदार बात मुझे याद आ रही है कि एक लड़का रटने पर इतना विश्वास करता था कि सोचा रट रट के वो एमए तक पास कर लिया। इतना रटा, लुसेंट स्पीडी रटा, और देखिए ऐसा हुआ ना कि एक बड़े लेवल का कंपटीशन भी पास कर लिया। उसमें जो इंटरव्यू देना था तो उसे तो पता नहीं अब कौन क्वेश्चन आएगा, अब तो कोई किताब में क्वेश्चन मिलने वाला था नहीं। तो वो दिमाग लगाया कि जो पहले जो जाएगा ना कैंडिडेट, उससे हम पूछ लेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछता है और हम याद कर लेंगे। वही हुआ कि जो पहले वाला कैंडिडेट गया उससे पूछा, ए भाई एक बात बताओ ना, कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, बहुत आसान पूछा जा रहा है। पूछ रहा है ना कि भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो हम बोल दे नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद पूछा कि हम लोग का देश भारत कब आजाद हुआ, तो हम बोलिए कि सर आजादी का प्रयास तो 1857 में ही किया गया, लेकिन हम आजाद हुए 1947 में। उसके बाद पूछे क्या जो साइंटिस्ट चंद्रयान 3 बना रहे हैं क्या वो सफल हो पाएगा, हम बोल दिए कि अभी तो वैज्ञानिकों का प्रयास जारी है, वैज्ञानिकों की खोज जारी है। लड़का बहुत अच्छे से सीरियल याद कर लिया, सोचा यही पूछ रहा है, क्योंकि उससे पहले वाले कैंडिडेट से बोला कि हाँ इसे ही पूछ रहा है। और जब वो अंदर गया तो दिमाग में तो वही चला रहा था, वो रटनत विद्या वाला बात हो गया। कॉमन सेंस सबसे जरूरी चीज होती है, वो तो दिमाग में एक इतना दिमाग में उसका शोर चल रहा था, नरेंद्र मोदी 1857 से 1947 अंदर में वो खूब गूंज रहा है। पूछते हैं वहां, बोलिए आपका नाम क्या है, तो लड़का कहता है नरेंद्र मोदी। उन लोगों को लगता है यहां पर तो नाम कुछ और है, लगता है ये नर्वस हो गया होगा। उन लोग मुस्कुराते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब जन्म लिए। कहता है प्रयास तो 1857 में किया गया था, लेकिन हम आजाद हुए 1947 में। कहता यार तू पागल है क्या, बोले सर अभी तो वैज्ञानिकों को खोज जारी है। ये हालात है, तो इस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए कि रटा रटाया हुआ चीज कभी कभार हमें बेवकूफ सिद्ध कर देता है। हम तो काम चलाओ कुछ स्तर तक गुजर सकते हैं। जिंदगी के चुनौतियों के लिए जो हमारे दिमाग में लोचकता होनी चाहिए, जो सोचने की क्षमता होनी चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाती है तो कभी कभार पता चलता है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आप देखेंगे क्या सुसाइड करके मर रहे हैं। देखेंगे कि बहुत सारा धन दौलत सभी सुविधाएं हैं, तो शिक्षा जो है वास्तव में आपके अंदर में जीवन की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता अगर नहीं सिखा रहा है। इन आंकड़ों को भर के अगर अकड़ लिए हैं कि इतना लुसेंट इतना स्पीडी हम कर लिए हैं, तो बाकी जीवन के चुनौतियों के सामने हार जाएंगे। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान भी होना अनिवार्य है। पानी 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 से ही है जिंदगानी, पहला जीव पानी में आया,
इसलिए जल ही जीवन कहलाया। तुम भी पियो हम भी पिए, तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म के लिए जो लड़ते हो, धर्म के लिए जो झगड़ते हो, धर्म इस बात से कहीं शर्म से ना हो जाए, पानी पानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। मेरी कुछ अनकही कहानी है, मेरी कुछ अनकही कहानी है, जो आग पर भी भारी पड़ जाए वही पानी है। जिंदगी जिंदाबाद।